क्वेश्चन नंबर 26 है, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट के तर्क प्रतीक खींचिए और सत्यमान सारणी दीजिए। तो और गेट के लिए सबसे पहले और गेट, क्योंकि जो और गेट होता है वो दो इनपुट वाला लॉजिक गेट होता है और इसका जो तर्क प्रतीक होता है वो होता है दो इनपुट बनाए हमने और ये होता है इसका लॉजिक प्रतीक कुछ इस प्रकार से, और ये इसका आउटपुट होता है वाई। तो ये इनपुट ए है और इनपुट बी है और वाई क्या है आउटपुट, और इसे लिखते हैं ए और बी, लिखते प्लस है हम। तो इस प्रकार से हम इसका लॉजिक परिपथ बना सकते हैं। और ये सत्यता सारणी है इसकी, सत्यता सारणी। तो सत्यता सारणी के लिए दो इनपुट होंगे हमारे पास और एक आउटपुट होगा। तो पहले हम इनपुट 00 01 10 और 11 इस प्रकार से हम इनपुट भर सकते हैं। और आउटपुट जो होगा इसमें जो होता था किसी एक के भी अधिकतम होने पर अधिकतम हो जाता है या दोनों के न्यूनतम रहने पर ही न्यूनतम होता था। तो 00 0 होगा यानी कि न्यूनतम, 01 इन दोनों में एक के अधिकतम होने पर 1 हो जाएगा, ये भी 1 अधिकतम है, ये न्यूनतम है तो इसलिए अधिकतम होगा, और 11 ये भी अधिकतम होगा। तो इस प्रकार हम इसकी सत्यता सारणी को पूरा कर सकते हैं। ये इसकी सत्यता सारणी है। तो सेकंड है हमारा एंड गेट, एंड गेट की अगर हम प्रतीक बनाए तो एंड गेट का ये भी दो इनपुट वाला एक लॉजिक परिपथ होता है, लॉजिक गेट होता है, और इसका जो प्रतीक होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है तर्क प्रतीक, और आउटपुट इसका वाई मान ले, इनपुट ए और बी है, तो वाई जो होगा वो होगा ए डॉट बी, ए डॉट बी, लेकिन ये ए एंड बी है। तो और इसकी सत्यता सारणी ये इनपुट ए, ये इनपुट बी और ये आउटपुट। अब इसे बनाए अगर हम तो 00 01 10 11, तो 00 01 में ये दोनों के अधिकतम होने पर ही अधिकतम होता है, यानी कि यहाँ पर एक ही अधिकतम है तो इसलिए 0 होगा, ये भी न्यूनतम होगा और यहाँ पर ही अधिकतम होगा। तो ये सत्यता सारणी इसकी कंप्लीट हो जाती है। अब तीसरा जो गेट है, थर्ड गेट है हमारा नॉट गेट, गेट। तो नॉट गेट का जो प्रतीक चिन्ह होता है ये एक इनपुट और एक आउटपुट वाला गेट होता है, और इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो कुछ इस प्रकार है, इस ए इनपुट है और वाई इसका अगर आउटपुट मान ले तो वो इस प्रकार से बार द्वारा दर्शाया जाता है, और इसका जो ट्रुथ टेबल है ए और आउटपुट वाई है। तो 0 1, और इसमें जब ये अधिकतम होता है तो न्यूनतम होता है, और जब न्यूनतम होता है तो इसका आउटपुट अधिकतम होता है। तो न्यूनतम के केस में अधिकतम और अधिकतम के केस में न्यूनतम, इस प्रकार ये इसकी सत्यता सारणी है। क्वेश्चन नंबर 27 है, पीएन संधि डायोड के लिए अग्रदिशिक बायस और पश्चदिशिक बायस का क्या अर्थ है, आवश्यक परिपथ आरेख भी बनाइए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस फॉर ए पीएन जंक्शन डायोड, ड्रॉ नेसेसरी सर्किट डायग्राम आल्सो। तो इसके लिए पहले हम पीएन संधि डायोड को देख लेते हैं। पीएन संधि डायोड होता है हमारे पास, यदि हम ये पीएन संधि डायोड बना ले इस प्रकार से, इसमें एक क्षेत्र पी होगा, एक एन क्षेत्र होगा, ये मान लो पी क्षेत्र है और ये एन क्षेत्र है। पी क्षेत्र में हमारे क्वार्टर होते हैं और एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसके आसपास जब पीएन संधि बनती है तो इसके आसपास एक क्षेत्र होता है जिसे हरासी क्षेत्र कहते हैं या अवक्षय परत भी बोलते हैं।
इसमें क्या होता है, कोई भी आवेश वाहक उपस्थित नहीं होते। अब हमें समझना है पीएन संधि डायोड का अग्रदिशिक बायस। तो पीएन संधि डायोड का अग्रदिशिक बायस तो अग्रदिशिक बायस में होता क्या है कि जब हम पी क्षेत्र को बैटरी के पॉजिटिव से और एन क्षेत्र को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ देते हैं, तो हम इसे जोड़ लेते हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये एक बैटरी हमने लगाई और नेगेटिव को हमने जोड़ दिया एन क्षेत्र से। तो जब हम इस प्रकार जोड़ देते हैं पॉजिटिव से पी को और नेगेटिव को एन से जोड़ देते हैं, तो इस जो पी क्षेत्र में क्वार्टर होते हैं, क्वार्टर एन क्षेत्र की ओर और इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर चलने लगते हैं इस प्रकार। और इस राशि क्षेत्र में जो विद्युत क्षेत्र होता था ईआई, आंतरिक विद्युत क्षेत्र, इसका मान कम हो जाता है। यहां पर ईआई जो होता है वो ई से कम हो जाता है, और इस ई के कारण ये जो क्वार्टर है एन क्षेत्र की ओर और एन क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर चलने लगते हैं। इस प्रकार इस परिपथ में धारा बहनी प्रारंभ हो जाती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे तो धारा विपरीत दिशा में बहती है। इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं तो धारा कुछ इस प्रकार से इस परिपथ में बहनी प्रारंभ हो जाती है। तो इसमें लिख देते हैं, जब पीएन संधि डायोड का पी सिरा पी क्षेत्र बैटरी के पॉजिटिव से तथा एन क्षेत्र बैटरी के नेगेटिव से जोड़ा जाता है, तो पीएन संधि अग्र अभिनति में कहलाती है। तब जो इसका राशि क्षेत्र होता है, तब राशि क्षेत्र के सिरों के बीच सिरों पर विभवपात होता है, अर्थात ईआई कम हो जाता है ई से। तब पी क्षेत्र से क्वार्टर एन क्षेत्र की ओर और तथा एन क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर चलने लगते हैं तथा परिपथ में एक धारा बहनी प्रारंभ हो जाती है।
इसे अग्रधारा, इसे अग्रधारा कहते हैं। अगर अग्रधारा का हम ग्राफ बनाएं तो कुछ ये वो इस प्रकार से बनता है। तो वो कुछ इस प्रकार से बनता है अग्रधारा का ग्राफ। उत्क्रम अभिनति, यदि हम इस पीएन संधि को बैटरी के नेगेटिव से पी क्षेत्र और पॉजिटिव से एन क्षेत्र को जोड़ देते हैं तो संधि उत्क्रम अभिनति होती है, क्योंकि पी क्षेत्र में जो क्वार्टर होंगे वो इस नेगेटिव की तरफ आकर्षित होंगे और एन क्षेत्र में जो इलेक्ट्रॉन होंगे इस पॉजिटिव की। इसका मतलब है जो आवेश वाहक है वो संधि से दूर जाने लगते हैं और इन संधि से दूर जाने के कारण इसमें कोई धारा नहीं बहती। परंतु चूंकि पी क्षेत्र और एन क्षेत्र में हम जानते हैं कुछ अल्पसंख्यक आवेश वाहक भी होते हैं, उनके कारण एक धारा प्रवाहित होती है जिसे हम उत्क्रम धारा कहते हैं। और अगर हम ग्राफ बनाए उत्क्रम धारा का तो वो कुछ इस प्रकार से, ये वोल्टेज है और यहां अगर धारा लें तो उत्क्रम धारा का मान ग्राफ जो है कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है। यहां पर जो होता है इसे भंजक वोल्टता बोलते हैं, भंजक वोल्टता, क्योंकि इस क्वेश्चन में अग्र अभिनति और उत्क्रम अभिनति के बारे में पूछा गया है तो हम इस प्रकार इसका आंसर दे सकते हैं।